नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 17 जुलाई शुक्रवार सुबह श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। हनुमानगढ़ जिले में गुरुवार को एक और कोरोना रोगी मिला है। यह पूर्व में आए मरीज के संपर्क में था। मिली जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ के जाकिर हुसैन पार्क के पास से नया मरीज मिला है। यह रोगी महिला है, उसको कोविड वार्ड में क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं इलाके में कंटेनमेंट जोन पहले ही बनाया हुआ था, वहां एक बार फिर से लोगों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जा रही है, सैंपलिंग की जा रही है। संपर्क में आने वाले लोगों को भी आइसोलेट किया जा रहा है। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर इलाके में एक व्यक्ति ने पानी की डिग्गी में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस ने मर्ग एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं मृतक के परिवारजन का आरोप है कि युवती के लापता होने के मामले में पुलिस जयसपाल सिंह के बार बार पूछताछ कर रही थी, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। श्रीगंगानगर जिले के चूनावड इलाके से एक कॉलेज गर्ल लापता हो गई है। उसकी तलाश के लिए पुलिस ने एएसआई सुखलाल को नियुक्त किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार युवती के पिता ने दी रिपोर्ट में बताया कि जिला मुख्यालय पर बल्लूराम गोदारा कॉलेज में पढ़ने वाली उसकी पुत्री बुधवार को कॉलेज में फीस भरने का कहकर गई थी, किंतु वापस नहीं आई। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर इलाके में एक व्यापारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक सूचना प्रसारित करने के मामले में पुलिस ने कई जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार सुनील अग्रवाल निवासी सादुल शहर ने आरोप लगाया है कि सुखवीर, गगन और कमल नामक लोगों ने सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ अपमानजनक कमेंट किए, जिससे उसकी मानहानि हुई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ इलाके में एक ट्रक पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जो ट्रक में ही सवार था। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार तोगाराम निवासी बीकानेर ने रिपोर्ट दी है कि एनएच पर ट्रक पलटने से उसमें सवार नारायण राम नामक व्यक्ति की मौत हो गई। इस मामले में मर्ग एफआईआर दर्ज कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई को पूर्ण किया गया है। हनुमानगढ़ में एक सरकारी अस्पताल से ही चोर सामान उठाकर ले गया। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार डबलीवास पीएचसी प्रभारी डॉक्टर संगीता पंवार ने रिपोर्ट दी कि अज्ञात व्यक्ति बीती रात चोरी कर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच आरम्भ कर दी है। हनुमानगढ़ में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जिस मामले में पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। पुलिस के अनुसार जंक्शन थाना क्षेत्र के खुंजा के नज़दीक एक व्यक्ति की लाश मिली है, जिसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि संजय नामक युवक की रिपोर्ट के आधार पर 174 सीआरपीसी में मर्ग एफआईआर दर्ज की गई है। हनुमानगढ़ जिले के नोहर पुलिस थाना में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को पोर्न फिल्म दिखाना महंगा पड़ गया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता का आरोप है कि उसके पति श्रवण ने उसको पोर्न फिल्म दिखाकर प्रताड़ित किया। पुलिस ने इस मामले में ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के आरोप में नामजद एफआईआर की है। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन को कोविड महामारी से बचाव के लिए संभागीय आयुक्त ने भी पत्र लिखा है। आयुक्त भंवरलाल मीना ने जिला कलेक्टर को पत्र प्रेषित करते हुए लिखा है कि जानकारी में आया है कि विगत कुछ दिनों में संभाग में कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसके दृष्टिगत जहां एक और राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर आमजन को भी वायरस संक्रमण से बचाव हेतु जागरूक और प्रेरित किया जाना भी अपेक्षित है। इस अनुक्रम में विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, संस्थाओं सहित अन्य उपयुक्त संचार माध्यमों से कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षणों से नागरिकों को अवगत करवाया जाए तथा अन्य आवश्यक उपाय किए जाएं। श्रीगंगानगर जिला क्षेत्र के पूर्व सैनिक भी अपनी सेवाएं पुण्य दे सकते हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने बताया कि ECHS योजना के तहत भूतपूर्व सैनिक अपनी योग्यता के अनुसार सेना छावनी में विभिन्न रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर 11 माह के लिए आवेदन कर सकते हैं। ECHS योजना के तहत श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में OIC, लैबटेक, डेंटल, ATH तथा फीमेल अटेंडेंट पदों के लिए 21 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण पंजाब में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए रेट तय कर दिए हैं।
इसके तहत सामान्य स्थिति में आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन, मेडिकल सहायक, एडमिशन फीस मिलाकर 10,000 रुपये तय किए गए हैं। वहीं एबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए 9,000 रुपये हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी घोषणा की। पंजाब के फिल्लौर में प्रेमिका की अपने साथ खींची अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने का खामियाजा प्रेमी को तब भुगतना पड़ा जब गुस्साई लड़की के परिजनों ने गत रात्रि शादीशुदा प्रेमी के घर पर हमला कर नई लग्जरी गाड़ी आग के हवाले कर दी। हमलावरों ने अपमान का बदला लेने के लिए कथित प्रेमी की पत्नी को निर्वस्त्र कर उसकी अश्लील फोटो खींची और वीडियो बना डाली। नजदीकी गांव सेलकियाना निवासी जसवंत कौर जस्सी ने बताया कि गत रात्रि 8:30 बजे उनके घर पहले लसाड़ा पुलिस चौकी इंचार्ज 2 से 3 पुलिस मुलाजिमों के साथ आया। उसने आते ही उसके देवर किशोर के बारे में पूछताछ की। लुधियाना में अमेरिका में रहने वाली एनआरआई लड़की के साथ फेसबुक पर एक नौजवान के साथ हुई दोस्ती की खातिर जब वह पंजाब आ गई तो नौजवान की हरकतों ने उसका दिल तोड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, वापस जाने पर भी नौजवान ने उसे नहीं बख्शा। पुलिस को दी शिकायत में लड़की की मां सरवरजीत कौर निवासी फरीदकोट ने बताया कि उसकी बेटी अमेरिका में रहती है। साल 2018 में उसकी बेटी ईश्वर कॉलोनी के रहने वाले लखवीर सिंह लक्की के संपर्क में फेसबुक के द्वारा आई थी। उसकी बेटी ने बातों में आकर आरोपी के खाते से 4 लाख रुपये डलवा दिए। आरोपी ने उसकी बेटी से 3 लाख रुपये और ले लिए, जिसके बाद दोनों की आपस में बहस होने लग पड़ी। इसके बाद उसकी बेटी का दिल टूट गया और वह तंग आकर वापस अमेरिका चली आई, लेकिन आरोपी उसे तंग परेशान करने लग पड़ा। उसकी तरफ से सोशल मीडिया पर मैसेज करके उसकी बेटी की बदनामी करनी शुरू कर दी। फिलहाल लड़की के खिलाफ अपशब्द बोलने पर थाना मांडल टाउन की पुलिस ने ईश्वर कॉलोनी के रहने वाले लखवीर सिंह लक्की के खिलाफ केस दर्ज किया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.